ट्रिगर स्टार्ट विथ फ्री अनडैम्प वाइब्रेशन, ठीक है। फ्री अनडैम्प वाइब्रेशन स्टार्ट करने से पहले अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में देख लेते। यहाँ पे दो वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको, एक है फ्री और दूसरा अनडैम्प। अनडैम माने डैम पर नहीं, और फ्री माने नो फोर्स अप्लाई कर रहे, बराबर। मतलब क्या प्रोवाइड करने वाले अपन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये नोट डाउन कर रहा हूँ, क्या करने वाले अपन, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री अनडैम वाइब्रेशन। मतलब और एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये मेरे मास के लिए, ठीक है, ये मेरा वॉल है, बढ़िया सा, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अटैच कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, क्या बोला है, फ्री अनडैम्प है, डैम्पर दिख रहा आप लोगों को नहीं, मतलब ये अनडैम्प हो गया। फ्री क्यों है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ मैंने फोर्स दिया है क्या, ऐसा फोर्स दिखा है नहीं, तो ये फ्री है। तो फ्री में होता क्या है, ये मेरा मास का सीजी रहेगा मान लो, इसको मैं कुछ डिस्प्लेस करूंगा एक्स डिस्टेंस से, समझ में आ रहा है क्या, तो मेरा मास कुछ एक्स डिस्टेंस से नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हम इसको फ्री अनडैम वाइब्रेशन बोल रहे हैं, क्यों, मैं इसको डिस्प्लेस करने का छोड़ दूंगा, समझ में आ रहा है क्या। वापस बताओ, क्या किया मेरे मास को, ये स्प्रिंग है कॉन्स्टेंट के, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या है वगैरह वगैरह समझा दूंगा आपको अच्छी तरह से, बट फिलहाल आप समझ लेना के क्या होता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, के क्या होता है भाई, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये होता क्या है, ये होता क्या एक्चुअली, के इज नथिंग बट फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर, के का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ये है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और मास केजी जो भी रहेगा यूनिट उसका। क्या किया मैंने, मास को डिस्प्लेस किया, ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या रहेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मैंने डिस्प्लेस किया, मास को डिस्प्लेस किया, नीचे ले गया फिर छोड़ दिया, तो क्या करेगा मास, ये पोजिशन से यहां तक जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से स्प्रिंग क्या करेगा, उसको धक्का देगा, बराबर की नहीं। यहाँ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से मैंने मास को खींचा एक्स डिस्प्लेसमेंट से, फिर जैसे ही छोड़ा, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, दबा दिया, यहां तक मान लो मास गया, तो स्प्रिंग छोटू हो गया, स्प्रिंग छोटा होने का मतलब स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आया, दैट पोटेंशियल एनर्जी की वजह से स्प्रिंग ने उसको धक्का दिया। इन शॉर्ट आई कैन से दिस पोजिशन, तीन पोजिशन समझ सकता हूँ मैं यहाँ पे, तीन पोजिशन समझ सकता हूँ, बराबर की। यहाँ पे जैसे मैंने इसको खींचा तो स्प्रिंग के अंदर क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, तो भी ये पॉइंट पे क्या रहेगा बताओ मुझे, ये पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, ये पॉइंट पे जीरो रहेगा, वाई जीरो काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे मास रुका है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे जहां में, फर्स्ट पॉइंट तो वो नहीं है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है जो जहां आपका स्प्रिंग और मास कटता हुआ था, मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे किया, तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट मान लेना, जहां से मैं उसका हाथ छोड़ने वाला था, बराबर की नहीं, डिस्प्लेस के छोड़ दिया, तो जैसे मैं हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा भाई, ये जो मास है ऊपर चला जाएगा, बराबर की माना एकदम, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये थर्ड पॉइंट मान लेना, जहां क्या होगा, कैसे दिखेगा थर्ड पॉइंट, ये देखो ऐसा, ये मेरा वॉल है, इमेजिन कर लो ये मेरा वॉल है, स्प्रिंग एकदम कंप्रेस हो गया है, और आपका मास यहाँ पे मान लेना थर्ड पॉइंट में, क्लियर है एकदम, समझ में आ रहा है कि, तो ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, जहां से आप छोड़ने वाले हो स्प्रिंग को, जैसे आप मास छोड़ने वाले हो वो पॉइंट पे, ये पॉइंट पे कोई मूवमेंट है क्या मास का, नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम। जैसे मीन पे जाएगा, जैसे ये सेकेंड पॉइंट पे जाएगा, फर्स्ट पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पे जूम करके निकल जाएगा, बराबर की नहीं, इमेजिन कर पा रहे यहाँ पे मास रहेगा, यहाँ एकदम जीरो वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे ये जैसे इधर इधर तक जाएगा मास, बराबर, तब तक स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, बराबर ये, तो जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग उसको धक्का देगा, वापस जाएगा, ऐसे होते जाएगा, ऐसे प्रोसेस करते रहेगा, बराबर ये नहीं। तो मास बार बार ऊपर नीचे, और सडन पॉइंट के बाद क्या होगा, भाई वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो जाएगा, स्टैग्नेंट मतलब क्या होगा, मूव नहीं करेगा, मास का डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो ऑलमोस्ट बिकम जीरो, बराबर की। तो स्टार्ट करें वापस स्टार्ट करें, क्या बोलेंगे अपन, यहां मास था मैंने फर्स्ट सेकेंड पॉइंट पे ले गया, मतलब मैंने मास को इमेजिन कर सकते हैं वापस, कंसेप्ट में बार बार सिखा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैंने स्प्रिंग को इनलोगेट करके यहां तक ले गया, ये पॉइंट वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट में क्या मैक्सिमम रहेगा भाई, ये पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, बराबर, और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, जीरो, बराबर की नहीं, क्यों जीरो रहेगा काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये पॉइंट में लाकर मास मेरा रुक गया या स्टैटिक हो गया, उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट होके मीन पोजीशन पे रहेगा, मीन पोजीशन कौन सा पॉइंट है भाई, जैसे मैं यहां से छोड़ दिया, बराबर, मैंने यहां से मास छोड़ दिया तो स्प्रिंग ने उसको ऊपर खींच लिया, तो ये पॉइंट, बराबर, ये पॉइंट में क्या होगा, इन दिस पॉइंट इट विल बी व्हाट,
In this point, it will be kinetic energy will be maximum and potential will be zero because ये point में potential zero है. अब उसके बाद क्या होगा? Mass compress करना चालू होगा. बराबर कि नहीं? Because ये point आते हैं मतलब ये point आया मतलब यहाँ तो उसका original position पे आ गया तो spring अभी free हो गया. But उसके बाद mass के अंदर inertia है. Mass के अंदर inertia होने की वजह से वो spring को क्या करेगा? दबाएगा. समझ में आ रहा है कि मास के अंदर इनर्शिया होने की वजह से स्प्रिंग को क्या करेगा? दबाएगा. तो स्प्रिंग में दबाएगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर होगा? स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आ रही है? तो जैसे वो सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, एनर्जी मैक्सिमम बिकॉज वो मूवमेंट करके निकल जाएगा. बट ये पॉइंट के बाद जब वो इधर आएगा एकदम कंप्रेस हो जाएगा. ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट में एकदम कंप्रेस कर देगा स्प्रिंग को, वापस का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो. इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं भाई? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? कहां था आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम करेगा, कहां था आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करेगा, ये क्लियर कट समझो. कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हो गई अनडैम्प्ड. क्यों अनडैम्प्ड? क्यों इसको अनडैम्प्ड बोलेंगे अपन? बिकॉज यहां पे कोई डैम्पर नहीं लगा रहे, फ्री वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे. क्या किया आपने? फोर्स अप्लाई किया नहीं, आपने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया, छोड़ दिया मास को. रही बात, अब ये हो गए अनडैम्प्ड. अब इसके आगे में क्या लगाना पता है क्या? वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसको मैं बोलूंगा सिंगल डिग्री. सिंगल डिग्री क्लियर एकदम? इस चैप्टर का नाम डाल दूंगा मैं सिंगल डिग्री. अब सिंगल डिग्री होता क्या है देखते. चलो इसको हटा रहा हूं मैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया. वापस बोल रहा हूं मैं ये पॉइंट पे, अपन इनिशियल पॉइंट यहां पे था, अपन ने मास को खींच के यहां पे लाया. जैसे मैं यहां पे लाया ये पॉइंट पे क्या होगा भाई? ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा. क्यों पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा? स्प्रिंग इलोंगेट हो गया बराबर की नहीं? जैसे स्प्रिंग इलोंगेट हो गया तो स्प्रिंग के अंदर क्या रहेगा? एनर्जी रहेगा. क्या एनर्जी रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी. उसको वापस खींचने के लिए जैसे खींच लेगा ये पॉइंट पे आते क्या हो जाएगा? स्प्रिंग वापस के ओरिजिनल लेंथ में हो जाएगा. बट मास के अंदर क्या इनर्शिया है? इनर्शिया की वजह से वापस धक्का मिलेगा उसको, तो स्प्रिंग वापस कंप्रेस हो जाएगा. एक लेवल रहेगा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, मतलब मान लो इतना छोटे हो सकता है स्प्रिंग, इतना छोटे होकर वापस इधर हो गया, मतलब स्प्रिंग यहाँ ये पोजिशन पे, स्प्रिंग ये पोजिशन पे भी स्प्रिंग कंप्रेशन में है और ये पोजिशन में क्या हो गया? स्प्रिंग इलोंगेशन में. समझ में आ रहा है कि अब ये पॉइंट होने के बाद क्या होगा? स्प्रिंग के अंदर वापस पोटेंशियल एनर्जी आएगा, मास में इनर्शिया जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा और स्प्रिंग वापस इसको धक्का देगा और मास के साथ फ्लक्चुएट करते रहेगा. क्लियर है एकदम? क्या अगर परफॉर्म कर रहा है अनडैम्प्ड वाइब्रेशन. क्यों अनडैम्प्ड वाइब्रेशन? डैम्पर नहीं है, फ्री क्यों है? फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे पर फ्री है, डिस्प्लेसमेंट दे रहे. बराबर है कंसेप्ट? क्लियर एकदम? आगे बढ़ते नोट डाउन करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. आगे बढ़ दे रहा हूं मैं. अभी अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. किसके बारे में बात करेंगे अभी? डिग्री ऑफ फ्रीडम. बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है. ठीक है, तीन एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पे. K1, K2, K3 ठीक है. और एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे भी, वो भी ध्यान दो. एक शॉर्ट में समझा दूंगा आप लोगों को कंसेप्ट क्या है इसका. ठीक है, यहां पे दोनों में फर्क है, एटमिनेशन का फर्क है. आगे बढ़े, चलो स्टार्ट करते हैं. फिलहाल ये डायग्राम के बाद में बात करो, इसके बारे में बात करो. क्या लिया है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? बहुत सिंपल, ये मास वन कंसिडर किया, इमेजिन कर लिया मास वन, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट किया कुछ एक्स वन बराबर की, तो मास उसके हिसाब से वाइब्रेट करते रहेगा. ठीक है, अब एक बात पूछता हूं मैं, यही चीज यहां कर लेना, यही चीज यहां कर लेना. अगर आपने इमेजिन कर लो इसको एक डिस्प्लेसमेंट दिया एक्स वन, क्या बोल रहा मैंने, इसको मैंने डिस्प्लेस किया x1, आप निकाल सकते हो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बता, सोच के बता. क्या बोला मैंने? सोच के बता, सोच के सोचो, सोच के अपने अपने आप से सवाल पूछो कि भाई ये मास को मैंने डिस्प्लेस किया तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं क्या?
मतलब क्या बोला मैंने, यहां से मैंने 3 यूनिट नीचे की जा, तो तुम बोल सकते हो कितना यूनिट नीचे आएगा, तुम बोल सकते हो, सोचो, सोचा, सेम यहां पे भी अप्लाई करो, इसको मैंने डिस्प्लेस किया, क्या तुम बोल सकते हो ये कितना नीचे जाएगा और ये कितना नीचे आएगा, तुम बोल सकते हो क्या? सोचा, क्या रहेगा जवाब? नहीं, बराबर, क्यों? बिकॉज इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये कितना नीचे जाएगा, बराबर कि नहीं? तो यहां पे ये पूरे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितना मूवमेंट है, कितना इंडिविजुअल मूवमेंट है, समझ पा रहे हो? कितना इंडिविजुअल मूवमेंट है मास का, यहां मास का कितना इंडिविजुअल मूवमेंट है, एक वन डिग्री, यहां पे मास का कितना इंडिविजुअल मूवमेंट है, इंडिविजुअल मूवमेंट है, वापस बोल रहा हूं कितना इंडिविजुअल मूवमेंट है, ए मास अपने हिसाब से जाएगा, ये मास अपने हिसाब से डिस्प्लेस करेगा, तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री। यहां पे देखो, ये मास अपने हिसाब से डिस्प्लेस करेगा, ये मास अपने हिसाब से डिस्प्लेस करेगा, ये मास अपने हिसाब से, कोई लेन देना नहीं तीनों में, तीनों अपने हिसाब से डिस्प्लेस कर देगा, बराबर कि नहीं? तीनों का अपने हिसाब से क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है एकदम? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, कितना इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बराबर कि नहीं? फर्स्ट सिस्टम देख लो, एक मास है आपने डिस्प्लेस किया, बराबर, तो आप बोल सकते हो ये पॉइंट में ये टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा करके, बराबर कि नहीं? कितना डिस्प्लेसमेंट लगा यहाँ पे, एक ही डिस्प्लेसमेंट एक्स वन, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट लगेगा आपको, सिस्टम को डिफाइन करने के कितना डिस्प्लेसमेंट लगेगा, एक इसका मान लो इसका एक्स वन और इसका एक्स टू, टू डिस्प्लेसमेंट एक्स वन और क्या रहेगा एक्स टू, दो डिस्प्लेसमेंट लगेगा, तो इसके लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बराबर कि नहीं? और यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट लगेगा भाई, यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट लगेगा, सोचो, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, तीन डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही चीज थर्मोडायनामिक्स में कैसे डिफाइन करके, थर्मोडायनामिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, शायद आपने किया भी रहेगा, यहां बताता हूं मैं, देखो ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। एक पॉइंट दिया मैंने, ठीक है, इमेजिन करना एक पॉइंट दिया, ये प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ, अगर एक पॉइंट प्लॉट करना ही है, अगर वो पॉइंट प्लॉट करना ही है तो क्या जरूरत पड़ेगा, तो प्रेशर भी जरूरत पड़ेगा, टेम्परेचर भी जरूरत पड़ेगा, बराबर कि नहीं? ये पॉइंट अगर मुझे प्लॉट करना है तो कितना प्रेशर है और कितना टेम्परेचर, तब जाके पॉइंट प्लॉट होगा, बराबर कि नहीं? आप बोलोगे P इक्वल टू मान लो 3 है और टेम्परेचर इक्वल टू मान लो 4 है, तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू 3.4 या सॉरी इट विल बी रिटन एज 4.3, तो ये कितना हो गया, समझ पा रहे हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे मतलब ये पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2। Means, दो चीज चाहिए उसको पॉइंट को प्लॉट करने के लिए, सिमिलरली ये सिस्टम को डिफाइन करने के लिए दो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इसके लिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 3 डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दैट इज x1 x2 s3, इसके लिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है एकदम? अब यहां पे देख लेना, ये सिस्टम है, बराबर, ये मेरा मास है, मैंने इसको डिस्प्लेस किया x, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, अब जो x करोगे एक ही डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट है कि इसको दिख रहा है नहीं, तो ये भी क्या है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहां देख रहे हैं एक बार, ध्यान से देख रहे हैं एकदम, यहां पे भाई ये मल्टी डिग्री नहीं है, फिलहाल ये मल्टी डिग्री नहीं है, ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है। क्यों सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा? बिकॉज आप इसको जब आगे लोगे, आप इस बॉब को आगे लोगे तो ये बॉब घूमेगा, साथ में इसका जो सीजी है वो आगे जाके यहां पे, मतलब ये बॉब अभी ऐसे समझ सकते हो यहां पे, बराबर कि नहीं? बराबर ही, बट एक्चुअली इनर प्रेशर आप दोगे तो इसने दो मोशन परफॉर्म किया, वो बता रहा हूं, इसने दो मोशन परफॉर्म किया बट डिस्प्लेसमेंट एक ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वापस समझाओ, इसने दो मोशन परफॉर्म किया, कैसे दो मोशन परफॉर्म किया, ये बॉब ये पॉइंट से ये पॉइंट पे है, बराबर, ये बॉब ये पॉइंट से ये पॉइंट पे है, तो लीनियर मोशन परफॉर्म किया, बट कैसे आया, घूम के आया, तो इसने दोनों मोशन है, कौन सा मोशन है, बॉब घूम रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बराबर, और बॉब आगे जा रहा है तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, करके वापस समझा देता हूं, ये सिस्टम में मास ये पॉइंट्स से ये पॉइंट पे, बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक ही डिस्प्लेसमेंट है, स्प्रिंग एक ही डिस्प्लेसमेंट करेगा एक्स वन, बराबर, तो ये कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई डाउट नहीं, बट इसके अंदर कितने मोशन है,
बॉब ने रोटेशनल मोशन परफॉर्म किया और सीजी यहां से आया, तो दो एनर्जी रहेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ये भी बात? आगे बढ़े, लास्ट अपना जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरल इक्वेशन ऑफ अनटाइम, जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं इसका, कैसे जनरल इक्वेशन निकालने लगे। लास्ट टॉपिक क्या लिखा इसके अंदर, जनरल इक्वेशन, बोलो बोलेंगे फाइंड आउट द जनरल इक्वेशन ऑफ, बहुत सिंपल, तीन मेथड होते हैं, रेले, न्यूटन और एक मेथड है जो अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं जनरल इक्वेशन बेसिक इक्वेशन निकाल कर समझा रखा है, जनरल इक्वेशन ऑफ वन डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम वाइब्रेशन, ठीक है, क्या बोला, जनरल इक्वेशन ऑफ वन डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम वाइब्रेशन, बहुत सिंपल है, यहां ध्यान देने का, ये मेरा स्प्रिंग है, ये मेरा स्प्रिंग है भाई, स्प्रिंग का एम वन ले लू मैं और डिस्क्रिप्शन के वन ले रहा हूं, केवल क्या है इसका, केवल क्या रहेगा इसका भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट, बराबर, केवल क्या रहेगा इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर, मास m1 kg में रहे। अब क्या करूंगा इसको मैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट दूंगा x1, बराबर, तो डायग्राम कैसे बनेगा, अभी स्प्रिंग थोड़ा इलोंगेट होगा और यहां पे आएगा मास, बराबर m1। अब मुझे बता, ध्यान देना एकदम, एकदम ध्यान देना, बॉडी नीचे आई, मास, अभी अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स एनालिसिस करेंगे, अपन देखेंगे कितना फोर्सेस पे एक्ट कर रहा है, बहुत सिंपल, कितना फोर्सेस पे एक्ट कर रहा है, मास नीचे आ रही थी, बराबर, तो जैसे मास नीचे आ रहा है तो इनर्शियल फोर्स क्या रहेगा, उल्टा, याद रखने का मतलब क्या, अगर एक बॉडी आगे जा रही है तो इनर्शियल फोर्स विल बी ऑलवेज अपोजिट, और इनर्शियल फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, जहां से फॉर्मूला आया एफ इक्वल टू एम ए, याद है न्यूटन लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, यहां से इसका मतलब क्या है, कोई भी बॉडी, मान लो एक बॉडी है मस्त में चल रही है, ये मोशन में, क्या है बॉडी, क्या है मोशन में चल रही है, तो ये बॉडी के अंदर काफी फोर्सेज रहेंगे, एक्ट करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, इस जो भी फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है, बराबर, इसलिए गाड़ी ऐसे जाएगी, सिंपल एग्जाम्पल, जो भी फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन द फोर्स एक्टिंग एंड द व्हीकल इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, अभी इस व्हीकल को रोकना है, इस व्हीकल को मुझे रोकना है, तो मैं क्या करूंगा, उल्टा एक फोर्स डालूंगा, वो फोर्स का नाम रहता है इनर्शिया फोर्स, समझ में आ रहा है क्या, क्यों मुझे बॉडी रोकना पड़ेगा, तब जाके मैं एनालिसिस करूंगा, आई वॉन्ट टू ब्रिंग द मोशन बॉडी दैट इज अ डायनामिक बॉडी इन अ स्टैटिक बॉडी, आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ डायनामिक बॉडी इन अ स्टैटिक बॉडी, तो अपन क्या करेंगे, जब मोशन में विल फाइंड आउट ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वेट टू व्हाट, इनर्शिया फोर्स, जो कि उल्टा रहेगा, व्हेन वी आर पुटिंग इनर्शिया फोर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा, वी कैन एनालाइज द बॉडी इज इन स्टैटिक। आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझा रहा हूं, तो यहां पे देखो, तो जैसे मास नीचे आ रहा था तो इनर्शिया फोर्स के ऊपर एक्ट कर रहा है उल्टा, तो मैं एनालिसिस कर लू अच्छी तरह से, एक मास यहां पर बना लिए मस्त पे, मास नीचे आ रहा था, इनर्शिया फोर्स उल्टा, m into a, तो displacement क्या देता है x1, तो ये क्या लिखा, m into x1 double dot cube, x1 is for displacement, याद रखना, x1 dot is for velocity और x1 double dot is for acceleration, तो मैंने क्या लिखा था, inertia force है, inertia force को कैसे अपन ने define किया था, m into a, तो acceleration के बदले में लिख दिया m into x1 double dot, clear है एकदम, और क्या add करेगा इसके ऊपर बताओ, और क्या add करेगा सोचो, नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू एक्ट, स्प्रिंग फोर्स ना भाई, अब जैसे इसको नीचे लेके आ रहे हो, स्प्रिंग इलोंगेट हो गया तो स्प्रिंग उसको ऊपर खींचेगा, बराबर, स्प्रिंग विल पुल हिम बैक, तो स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा एफ ऑफ एक्स, व्हिच विल बी इक्वल टू व्हाट, याद रखना, इट विल बी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट चेक करना है, चेक कर लो, के का यूनिट क्या था, मैंने बोला था न्यूटन पर मीटर, डिस्प्लेसमेंट इंटू मीटर पुट गया न्यूटन फोर्स, समझा, तो मास से क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर और फिर आपका इनर्शिया फोर्स ऊपर, ऑल थ्री फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, आप बोलोगे वेट, नहीं, वेट एक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं एक्ट करेगा, यहां ध्यान देना एकदम, ये सिर्फ एक स्प्रिंग है, इमेजिन कर पा रहे, सिर्फ एक स्प्रिंग है, मैंने मास उठाया, लगा दिया,
जैसे मैंने इस मास को चिपका दिया, अब क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ा तो इनर्ट करेगा ना भाई, और ऐसा आ जाएगा खत्म। इसका मतलब क्या है, मास का वेट स्प्रिंग ने उठा लिया ऑलरेडी। ये क्वेश्चन का मतलब है, इनिशियल क्वेश्चन ऐसा रहेगा बराबर, स्प्रिंग इतना लेंथ रहेगा, जैसे आप मास अटैच करोगे थोड़ा वो डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, जितना वेट था उतना स्प्रिंग ने उठा लिया ऑलरेडी, नाउ इट इज वेटलेस। मतलब आप इमेजिन कर लो, अगर आपको एक स्प्रिंग ने टांग दिया तो आप वेटलेसनेस फील करोगे, बिकॉज वो बॉडी का जो भी वेट है वो स्प्रिंग ने उठा लिया, तो दैट बॉडी विल फील द वेटलेस, और आई कैन से द वेट इज गेटिंग इक्वेटेड विद द स्प्रिंग फोर्स, तो इसके लिए वेट नहीं आएगा। तो ये फोर्स में क्या क्या आएगा, क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, क्या क्या आएगा बताओ, एम इन टू एक्स वन डबल डॉट प्लस के वन एक्स वन इक्वल टू जीरो। ये हो गई बात तुम्हारी, कौन सा, जनरल इक्वेशन ऑफ वन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अनडैम्ड वाइब्रेशन। क्लियर एकदम, सिंपल इक्वेशन याद रखना, एम इन टू एक्स वन डबल डॉट प्लस के वन इन टू एक्स वन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे बढ़ेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम से जनरल इक्वेशन को लेके, वी विल गोइंग टू डिराइव अ न्यू फॉर्मूला फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा इक्वल टू समथिंग, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मजा आ गया, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, जो भी डाउट रहेगा ग्रुप के अंदर पूछ लेना, ठीक है। इसके और एक वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो दैट इज फर्स्ट लेक्चर, दिस इज टुडे इज द सेकंड लेक्चर, तो कीप अ लिंक, मेक स्टार्ट मेकिंग द नोट्स अकॉर्डिंगली, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, थैंक यू।